बरेली में भाग संख्या 262 की ईवीएम मशीन हुई खराब, एक घंटा मतदान बंद रहा। बरेली के विहारीपुर क्षेत्र झगड़े बाली मठिया के पास आरडी पंत स्कूल में सुबह 7 के आसपास ईवीएम मशीन खराब हो गई। कसगरान के भाग संख्या 262 के मतदाताओं को एक घंटे तक लाइन में होकर मशीन ठीक होने का इंतजार करते रहे। एक घंटे के बाद मशीन को ठीक किया गया, तब कहीं जाकर मतदान शुरू हो सका। निम्नलेश गुप्ता, कब से खड़ी? 15 मिनट हो गए। तो जानकारी मिली मशीन खराब हो गई? हाँ, मशीन आ चुकी है, लगने जा रही है। मशीन खराब हो गई? हाँ, मशीन खराब हुई है लेकिन आ चुकी है, अभी बस उसमें शुरू होने वाला है ये काम। कौन सा नंबर के? 662 262 निर्देश दिए। जितने भी जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ हम लोगों ने एक मास्टर ट्रेनर्स लगाए हैं और हम लोगों के साथ भी ECIL के इंजीनियर्स चल रहे हैं। जहाँ भी समस्या हो रही है इंजीनियर्स पहुँच जा रहे हैं या मास्टर ट्रेनर पहुँच के मशीन को ठीक कर दे रहे हैं, और इस तरह की जो भी शिकायतें हैं उसको बहुत ही तत्परता से निकलवाए जा रहे हैं। देखा जाए सर, जिले में कुछ मतदान के आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए, कुछ पिंक बूथ बनाए गए हैं, उनको लेकर किस तरह की निर्देश? उन पर विशेष रूप से व्यवस्था की गई है और सभी AROs ने और SDMs ने वहाँ के लिए विशेष निर्देश दिए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि मतदाताओं में अच्छा उत्साह है। लेकिन ये मतदान जिलाधिकारी बरेली वीरेंद्र कुमार सिंह जी का कहना था कि मतदान में किसी प्रकार